स्ट्राइकर होता हुआ चौथे नंबर के खिलाड़ी 10 सेकंड से और काफी जबरदस्त डिफेंड का पूरा समय कोई पॉइंट नहीं खाली रह जाता हुआ उस प्रकार और ये इस मैदान पर ध्यान देंगे आवाज आना चाहिए जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी बिलासपुर के मैदान पर जा पहुंचे हैं काफी हल्की कदमों से चलते हुए जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी बिलासपुर की ओर से रेड करने पहुंचे हैं जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी धीरे धीरे चल कदमी करते हुए और बिना रनिंग टच का प्रयास करते हुए जर्सी नंबर 2 के खिलाड़ी चल के मैदान पर नंबर 1 पर दावा करते हुए 1 पॉइंट मिलता हुआ बिलासपुर की टीम को स्कोर हो चला है 2 पॉइंट और अभी भी चल की टीम जो खाता भी नहीं खुला है पूरा जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी बिलासपुर के मैदान पर जा पहुंचे हैं और 9 मिनट 3 सेकंड का खेल बाकी है। चलिए चर्रा की ओर से रेड करने गए हैं जर्सी नंबर 8, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और ये थाई होल्ड होता हुआ रेडर आउट, 1 पॉइंट मिलेगा बिलासपुर की टीम को। चलिए चलिए पूरा जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी चर्रा के मैदान पर 4 के डिफेंस में देखते हैं क्या आपकी टीम के लिए पॉइंट ले पाते कि नहीं। काफी धीरे धीरे चाल कदमी करते हुए जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी और यहां पर 4 के डिफेंस में पॉइंट लेना काफी मुश्किल होता है। चलिए देखते हैं क्या आपकी टीम के लिए पॉइंट ले पाते कि नहीं। और जी हाँ अभी भी 3 पॉइंट पर और अभी तक खाता नहीं खुला है चर्रा की टीम का, देखते हैं क्या कर पाते हैं। जी हाँ पहले हाफ का 8 मिनट 10 सेकंड से और काफी जबरदस्त डिफेंड का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ रेडर आउट 1 पॉइंट मिलता हुआ बिलासपुर की टीम को, इसी प्रकार पॉइंट जा पहुंचा है 4 पॉइंट। जी हाँ सारी बोनस पॉइंट मिलता हुआ चर्रा की टीम को। चलिए सुपर टैकल ऑन चर्रा वालों के लिए सुपर टैकल ऑन, अगर ये रेडर आउट हो जाते हैं तो 2 पॉइंट मिल सकता है और काफी अंदर दबा दिए हैं और ये हल्के हल्के कदमों के साथ 3 डिफेंडर मौजूद, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और पूरी तरह से दौड़ाते हुए हल्के हल्के कदमों के साथ और कोई रेड नहीं खाली रेड। अगली रेड जर्सी नंबर 1, जी हाँ चर्रा की ओर से ठाकर प्लेयर अपने मेन रेडर कहा जा सकता है हमारे जर्सी नंबर 1 को। जी हाँ और ये काफी जबरदस्त हल्के हल्के कदमों के साथ खिलाते हुए देखते हैं पॉइंट ला पाते कि नहीं ला पाते हैं और ये हाई टच का दावा करते हुए पॉइंट मिलेगा 1 मिलता हुआ चर्रा की टीम को। पूरे जर्सी नंबर 3 के खिलाड़ी शिवा पहुंच चुके हैं अपने टीम की ओर से रेड करने के लिए, देखते हैं चर्रा की टीम से 4 के डिफेंस में अपने टीम के लिए पॉइंट ले पाते कि नहीं। शिवा काफी छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन पॉइंट लेने में काफी माहिर, यहां पर रनिंग टच का प्रयास करते हुए जर्सी नंबर 3 के खिलाड़ी 4 के डिफेंस में पॉइंट लेने में काफी मुश्किल है। अरे पूरा रुकन से तैयार चर्रा की ओर से नंबर 1, देखते हैं लाते हैं कि नहीं ला पाते हैं और 1 पॉइंट लाते हुए चर्रा को मिलता हुआ उसी के साथ पॉइंट में बढ़ोतरी होता हुआ बिलासपुर 4 पॉइंट चर्रा 3 पॉइंट। जी हाँ पहले हाफ का 6 मिनट 20 सेकंड खेलते से और ये हाई टच का दावा करते हुए देखते हैं क्या होता है और जी हाँ खिलाड़ी भावना दिखाते हुए 1 पॉइंट मिलता हुआ अच्छा रखी ओर से गए हैं काफी ताकत ले रहा है। अभी भी 5-3 पॉइंट बना हुआ पॉइंट बिलासपुर 5 पॉइंट चर्रा 3 पॉइंट और ये दौड़ाते हुए ले जा रहे हैं जर्सी नंबर 9, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और ये जाता हुआ
बाकी किए कोई पॉइंट नहीं। जर्सी नंबर तीन के खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से रेड करने पहुंचे चार के डिफेंस में। ये तो चार के डिफेंस में पॉइंट देना काफी मुश्किल आ रहा है क्योंकि ये चार के डिफेंस में पॉइंट देना काफी मुश्किल हो जाता है। पूरे रनिंग की तरफ से प्रयास करते हुए जर्सी नंबर तीन के खिलाड़ी सीवा सीवा जो की काफी अच्छे खिलाड़ी है, काफी छोटे कटे खिलाड़ी है लेकिन पॉइंट देने में काफी भाई है। और एक बार पुनः तैयार चर्रा की ओर से जर्सी नंबर 10 देखते हैं अभी भी चर्रा का 3 पॉइंट और बिलासपुर का 5 पॉइंट। जी हाँ मैं बता देना चाहूंगा पहले हाफ का 5 मिनट का खेल शेष बचा हुआ है और ये काफी हक्के बक्के खिलाते हुए देखते हैं पॉइंट ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ हले हले देखते हैं पॉइंट लाते हैं शुरू जाते हैं कोई पॉइंट नहीं खाली रह जाता हुआ प्रकार। और ये बिलासपुर के रेडार हाथ होता हुआ 1 पॉइंट मिलता हुआ चर्रा की टीम को। फिर से एक बार अगली रेड जर्सी नंबर 8 लेमन यादव चर्रा की ओर से गए हैं बिलासपुर के मैदान पर। देखते हैं क्या कर पाते हैं अभी भी 5 डिफेंडर मौजूद है और ये पॉइंट लाना होगा। आप एक पैर से पीछे चल रहे हैं चर्रा की टीम देखते हैं क्या कर पाते हैं और काफी अच्छा दबाने का प्रयास किए थे कोई पॉइंट नहीं खाली रह जाता हुआ। जी हाँ निश्चित धन भैया हो गए बाजी तू माना काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ हमारे इस मैदान पर काफी जबरदस्त। जी हाँ सुपर टैकल 3 पॉइंट मिलता हुआ बिलासपुर की टीम को। जी हाँ काफी जबरदस्त रे सुपर रे बिलासपुर की टीम को और इसी के साथ पॉइंट में कटौती होता हुआ बिलासपुर। जी हाँ जी हाँ रेडर से पॉइंट होता हुआ और एक बार फिर 1 पॉइंट मिलता हुआ बिलासपुर की टीम को। और ये अगली रेड जर्सी नंबर 1 देखते हैं अपने प्लेयर के मेन रेडर के रूप में जाने जाते हैं हमारे सुजीत भाई काफी जबरदस्त। देखते हैं बोनस पॉइंट रेडर आउट दोनों को एक पॉइंट मिलता हुआ चरणों के मैदान पर जा पहुंचे जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी काफी रेड करते हुए अपने टीम की ओर से धीरे 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 रेड करते हुए जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी देखते हैं कि अपने टीम के फाइनल कंसिट कर पाते हैं कि नहीं। समय व्यतीत करते हुए जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा अभी जो है बिलासपुर वर्सेस चरक के बीच में जो मैच चला जिसमें चरक का स्कोर है 5 पॉइंट और बिलासपुर का स्कोर है 13 पॉइंट। और प्लेयर खेलेंगे कबड्डी कबड्डी बोलेंगे जोर जोर से बोलेंगे कबड्डी कबड्डी आवाज आना चाहिए होता हुआ और मिलता हुआ बिलासपुर की टीम को। इसी के साथ उनका प्रत्येक स्कोर चला है 14 पॉइंट। निश्चित रूप से काफी अच्छी पॉइंट कही जा सकती है। पुनः जर्सी नंबर 8 खिलाड़ी चर्रा के मैदान पर जा पहुंचे हैं और 6 के 5 डिफेंस में देखते हैं क्या अपने टीम के लिए पॉइंट कंसीड कर पाते नहीं और कभी टच करने का प्रयास करते हुए यहाँ पर देखते हैं क्या टच पॉइंट मिलता है कि नहीं जर्सी नंबर 8 खिलाड़ी को। बिना किसी पॉइंट के साथ वापस जाता हुआ जर्सी नंबर 8 खिलाड़ी जाते हुए जो कि काफी अच्छे हट्टे कट्टे खिलाड़ी हैं देखते हैं कि अपने टीम के लिए पॉइंट ले पाते कि नहीं। अभी टच करने का प्रयास करते हुए जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी यहाँ पर देखते हैं क्या होता है और यहाँ पर सीमा ने मना किया और यहाँ पर प्रेस टच करने का प्रयास करते हैं जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी और यहाँ पर जर्सी नंबर 9 के और वन पॉइंट हुआ बिलासपुर की टीम को। इसी के साथ अगर समय की बात करें तो 1 मिनट 18 सेकंड के करीब समय बचा हुआ है और पुनः जर्सी नंबर 9 खिलाड़ी चरण के मैदान पर 4 के डिफेंस में देखते हैं 4 के डिफेंस में पॉइंट ले पाते कि नहीं। जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी काफी फुर्तीले खिलाड़ी नजर आए काफी रनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं जर्सी नंबर 9 के खिलाड़ी 4 के डिफेंस में क्या पॉइंट ले पाते कि नहीं और यहाँ पर रनिंग करते हुए पुनः देखते हैं क्या पॉइंट ले पाते कि नहीं। यहाँ पर जर्सी नंबर 10 पॉइंट के साथ
प्यास के बनाकर पॉइंट ले पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी प्रकार से वन पॉइंट मिलता हुआ बिलासपुर की टीम को, इसी के साथ प्रत्येक स्कोर में चला है 16 पॉइंट, 9 पॉइंट के साथ लीड करता हुआ बिलासपुर की टीम। सुपर टेकल ऑन है, देखते हैं क्या सुपर टेकल ऑन है इसका फायदा चेरा की टीम उठा पाते कि नहीं। अगर चेरा की टीम इसको टेकल कर पाते हैं जर्सी नंबर 8 के खिलाड़ी को तो 2 पॉइंट मिलेगा। देखते हैं इसका फायदा उठा पाते कि नहीं। चलिए 2 सेकंड बचे, सेकंड से रन मिलेगा जर्सी नंबर 10 के खिलाड़ी को। सात की डिफेंस में पाते कि नहीं, मुश्किल होता है।